आज तो अच्छा लग रहा है हमें, काफी टाइम बाद ये खुशियां हमारे घर आई, अभी थोड़ी देर पहले भी आई थी और अभी और आ गई ये खुशियां, तो हमें अच्छा लगा। संगीता ये भी खा लीजिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। मैं संगीता, बिट्टू, नैना, हम चारों मतलब कि यहाँ बैठे हुए हैं और अभी उस साइड पे गेम खेल रहा है और अभी हम चारों आज बड़ी चैलेंजिंग सीरीज करने वाले हैं। आई मीन हम दोनों चैलेंजिंग सीरीज करने वाले हैं। ये दोनों तो हमारे एम्पायर प्लस कैमरामैन दोनों ये रहेंगे, ठीक है, और जज ये रहेंगे हमारे। हाँ बट हाँ आज मतलब चीटिंग नहीं करें गेम में, तो उसका ध्यान भी रखेंगे, ये संगीता का ध्यान रखेंगे, संगीता चीटिंग नहीं कर ले। हाँ तो सारे जो क्वेश्चन थे वो मतलब कि बिट्टू ने लिखे हैं और आंसर सारे नैना ने लिखे हैं, आई मीन क्वेश्चन आंसर दोनों ने लिखे हैं, ठीक है। संगीता सारा चैलेंज हमें समझा दे कि क्या क्या कौन सी चीजें कब कब खाने पे मिलेगी, कब किसने क्या लिखा है, तो सारी चीजें समझाई जाए। ये चार बाउल है यहाँ पे। हाँ जी ठीक है, दो एक में तो चॉकलेट है और एक में लड्डू है, जो भी घर पे स्वीट पड़ी थी तो वो निकाल दी, और इसमें है मिर्ची। अच्छा। ग्रीन मिर्ची, और ये है पर्ची, मतलब इसमें क्वेश्चंस लिखे हुए हैं एक दूसरे से जो हम पूछने वाले हैं, भैया और नैना ने मिलके लिखे, हमें कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में, ठीक है, तो हम पूछेंगे और अगर सामने मतलब गलत जवाब दिया तो उसे ये ग्रीन मिर्ची मिलेगी खाने को। अच्छा, संगीता खाएगी, देखते हैं वो तो। हाँ। मतलब किसके मतलब किस्मत में कितनी मिर्ची, संगीता की किस्मत में ये सारी। अच्छा ठीक है, मिर्ची खाने के बाद वो स्वीट भी कुछ ले सकते हैं। अच्छा, और ये सारे क्वेश्चन संगीता कहीं तूने ऐसा तो नहीं कि पहले देख देख के लिख लियो, मैं दिन में शोरूम पे गया था तब तक तो मैं बिट्टू से लिखवा लियो। नहीं नहीं, ये मैंने लिखे गूगल से। सही में बिट्टू झूठ तो नहीं बोल रहा, मैं भाभी की तरफदारी तो नहीं हो रही इसमें? नहीं नहीं सही है, कंफर्म 100%। ठीक है, मेरे को तो बताया गया ही नहीं है, तो करें स्टार्ट। चलो स्टार्ट भी करो। अरे नहीं, ये गेम नहीं, आज ये सिर्फ मम्मा पापा दोनों के लिए है। और आप देखिएगा कि संगीता हारने वाली है और सारी मिर्चियां संगीता खाएगी, और ये जो सारे लड्डू और चॉकलेट जो दिख रहे हैं ना, इनको मैं खाने वाला हूँ, और ये जो हरी हरी मिर्ची है ये सारी संगीता खाने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं गेम को। तो संगीता पहला क्वेश्चन है, किस कीड़े का खाना मनुष्य चुरा कर खाता है? बताओ, आंसर बताओ, नहीं तो हरी मिर्ची खाने का तैयार है। तो थोड़ा नहीं यार, मैं गिनती गिनूंगा 10 तक। अरे हाँ, एक बार और रिमेम्बर करना, किस कीड़े का खाना मनुष्य चुरा कर खाता है? कीड़े का खाना। हे भगवान, आंसर उत्तर नहीं आया इसको, बहुत अच्छा हो यार, पहले क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा मुझे, वो तो मुझे पहले पता था नहीं आएगा। अच्छा, कीड़े का खाना, मतलब ऐसे लोग तो बहुत से जो कीड़े खा जाते हैं। मैडम कीड़े का खाना खाना, कीड़े खाने नहीं है आपको। आंसर दो, 1 2 3 4। चल मैं थोड़ा हिंट दूं क्या किसी चीज से? चलो दे दो। वो उस कीड़े का खाना थोड़ा मीठा मीठा होता है और उसके पूरे राजा में एक रानी की प्रजा चलती है, मधुमक्खी। यस ठीक है, तो संगीता का फाइनली ये जवाब सही हो गया और वो मेरी वजह से हुआ है। थैंक यू, ऐसे हेल्प करते रहो थोड़ी थोड़ी। अब मैं लेती हूँ पर्ची और मेरे चॉकलेट खाने का टाइम आने वाला है, देखते हो तो जल्दी जल्दी जल्दी। मेरे दांत तो बहुत है लेकिन मैं कभी काटता नहीं, बताओ मैं कौन हूँ? अभी अभी तो काटता है पर हाँ, पर दांत उसी के हैं और वो ही नहीं काटता है। नहीं काटता तो है, अभी मुझे बहुत बार काटा है, नैना को भी काटा है ना। हाँ पर देख मेरे हिसाब से तो अभी सोच लो। अभी चूहे? जी नहीं, चूहा भी काटता है। स्नेक? अब मिर्ची उठा रहे हो, ये मैं खुद सेलेक्ट करके दूंगा आपको। मेरे को भी हिंट देना तो। हिंट चलो ठीक है, इसको आप मतलब डेली उसमें काम में लेते हो, रेडी होने में सुबह सुबह ऑफिस जाने से पहले हमेशा डेली। गाड़ी की चाबी? नहीं। पाउडर? परफ्यूम? इतने चांस नहीं मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6। हाँ हाँ, मैं हार मान ली मैंने। फाइनली हम जिसको हराने चले थे पर मिर्ची हमें खानी पड़ रही है, और इस मिर्ची खाने के बाद मैं मीठा भी खा सकता हूँ? नहीं खा सकते आप, आपकी चॉइस लड्डू है, चॉकलेट है। भगवान, उठ के किसका चेहरा देखा मैंने आज? मुझे लग रहा है संगीता का देखा मैंने। अच्छा आंसर नहीं सुना आपने, चलो मिर्ची तो खा रहे हो, बाद में नहीं, मैंने हार मान ली। इसका आंसर है कंघी।
अरे यार, अब संगीता हारने के लिए तैयार हो गई है। हमने मिर्ची खाई, हम बड़े लज्जित हुए और हमें अपमान का बदलाव लेके रहना है। ठीक है, तो अब संगीता को इस बार मिर्ची खिला के रहेंगे हम लोग। चिंकी के पिता के 5 बच्चे हैं। एक चिंकी है, उसके पापा के 5 बच्चे हैं। चारों बच्चों के नाम है नाना, नैनी, नैनी, नोनो, नोनो। पांचवें बच्चे, अरे संगीता तो जीनियस सीख ली है ना। तो इस हिसाब से संगीता सेकंड बार भी जीत चुकी है। चॉकलेट खा सकती हूँ ना? चॉकलेट खा ले। मैं हरी, मेरे बच्चे खा ले, मुझे छोड़, मेरे बच्चे को खा ले। नहीं, मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ संगीता। मैं ऐसे बच्चे बच्चे किसी के नहीं खाता हूँ। हरे बच्चे, काले बच्चे, पीले बच्चे, हमें खाने ही नहीं है। बोली क्वेश्चन का आंसर नहीं आओ। अब वापस पूछता था एक बार, मतलब वेजिटेरियन चीज ही है, नॉन वेजिटेरियन कुछ नहीं है इसमें। फिर बताओ। मैं हरी, मेरे बच्चे काले, मुझे छोड़, मेरे बच्चे को खा ले। मटर? नहीं, मैं मटर के बच्चे काले का होते हैं। चले नहीं, बच्चे काले, बच्चे काले। इससे अच्छा था मैं हरी मिर्ची खा लूँ, बच्चे काले काले। ठीक है, सो फाइनली हमें इस क्वेश्चन का आंसर भी नहीं पता है और हम इस बार भी हार चुके हैं। और अब हम हिंट नहीं मांगेंगे, हम चुपचाप मिर्ची खा लेंगे। तो चलो आंसर भी सुन रहे हैं। मिर्ची खा ही लेता हूँ, उसके बाद ही सुन लूंगा। अच्छा। इससे ज्यादा नहीं खाई जाएगी, ठीक है, थोड़ी राहत। चलो ठीक है, थोड़ी राहत है। चलो क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्वेश्चन का आंसर इलायची। और हाँ यार, कोई इंसान 50 दिन तक बिना सोए कैसे रह सकता है, बताओ। 50 दिन तक बिना सोए हुए? यार देखो, नींद की बात है तो मुझे तो नींद चाहिए। मैं तो यार बिना सोए नहीं रह सकती हूँ। तो मिर्ची खा ले। और मैं कोई हिंट देने वाला नहीं हूँ, मेरे को अच्छे से आइडिया है। मैंने जब वो दो क्वेश्चन मेरे गलत हुए ना, तब तुम लोगों ने कोई हिंट नहीं दिए। संगीता ये लो मिर्ची। नहीं आ रहा आंसर, तो मिर्ची खाने को तैयार हो जाओ, ठीक है। तो 50 दिन तक कोई इंसान कैसे, मतलब ये अच्छा लग रहा है। वो जैसा भी अच्छा लगा हमें, काफी दिनों बाद खुशियां आई हमारे घर में, ठीक है, बट आई तो सही, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ये आंसर नहीं जानना चाहिए था आपको? रुको, पहले आंसर जानो, क्योंकि वो रात को सोता है। इतना सिंपल सा आंसर था, वो नहीं आया तुम लोगों को। करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी। इस बार मेरे को लग रहा है कि मैं नहीं आने वाला, अभी सारी मिर्चियां संगीता ही खाएगी। सवाल पूछने के बाद पता चलेगा। बताओ वह कौन सी चीज है जो एक जगह से दूसरी जगह जाती तो है लेकिन अपनी जगह से हिलती नहीं है। रोड। क्यों पाते? कि दैनिक भास्कर में आया था 3-4 दिन पहले। इसीलिए मुझे याद है। ये होते हैं पेपर पढ़ने के फायदे, आप भी पेपर पढ़ा करो और तू भी पढ़ा कर संगीता कभी कभी। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर सड़क है पर गाड़ी नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं, और शहर है पर घर नहीं? मैं हिंट दूं? हाँ। आर्किटेक्चर से जुड़े हुए सवाल है। अब कोई बात नहीं, मिर्ची खाने। आज तो अच्छा लग रहा है हमें, काफी टाइम बाद ये खुशियां हमारे घर आई। अभी थोड़ी देर पहले भी आई थी और अभी और आ गई ये खुशियां, तो हमें अच्छा लगा। संगीता ये भी खा दीजिए। मैं नक्शे, मकान के नक्शे होते हैं, उनमें से घर होता है, सारी चीजें होती है। फाइनली इसमें भी हम लोग विजेता रहे और संगीता इस बार भी हार चुकी है। आप देखिएगा आगे भी ऐसे हारेगी और बहुत बार हारेगी और ये खुद हार जाएगी, और जीतेंगे तो हम ही, ठीक है। अभी बराबरी पे चल रहे हैं, दो। नहीं नहीं नहीं, मैं जीत रहा हूँ अभी। अभी कंटिन्यू तुमने 2 मिर्चा ले। और आपने दो। साल के किस महीने में 28 दिन होते हैं? साल के किस महीने में 28 दिन होते हैं? पूरे 12 महीनों में 28 दिन होते हैं। तो तुझे गलत पाला पड़ा, कोई जीनियस से पाला पड़ा हुआ, तेरा पता है। हाँ, मैं जीनियस हूँ। चलो सही है। मेरे साथ रह रहे आप भी इंटेलिजेंट। नो, एक दुकानदार ऐसा जो दाम भी लेता है और माल भी लेता है। ये हमारी पार्लर वाली बाल भी काट लेती है। ऐसा नहीं था, पार्लर वाली भी है, वो हमारे वो भी है, मतलब नाई बार्बर। अच्छा। संगीता जीनियस निकली, बाल काट भी लेती है और हमसे पैसे भी ले लेती है। इस हिसाब से संगीता जीनियस निकली और हमारे सपने चूर चूर हो गए। हाँ, और हमारी मिर्चियाँ ऐसी की ऐसी रह गई और ये खा नहीं पाई। अभी एक क्वेश्चन और बाकी है, शायद आपका नंबर लगता है उसमें मिर्ची खाने में। नहीं, भगवान मेरी तरफ देख रहा है। मैं अभी केदारनाथ जाके आया तो भगवान मेरे ऊपर कोई भी विपदा नहीं आने देंगे। मैं भी साथ में, तो विपदा लाने वाली।
सो फाइनली ये फाइनल क्वेश्चन अगर हम जीत जाते हैं तो एलविस यादव जैसे हम भी मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जीत चुके होंगे, उसने बिग बॉस जीता है और हमें 5 मिनट का रिकॉर्ड जीत जाएंगे। सो भगवान करे हम ही जीते। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, इससे हमारी हार और जीत का फैसला हो जाएगा कौन। मैं जीत चुका हूँ। मुझे पहले पता है, सवाल तो पूछ लेता हूँ। हाँ बताइए। वो कौन सी चीज है जो 2 बार फ्री मिलती है पर तीसरी बार नहीं? राशन। जी नहीं। चुनाव का टिकट। 2 बार फ्री मिलती है पर तीसरी बार नहीं। चुनाव का टिकट। चुनाव में गाड़ी का पेट्रोल। फाइनली मिर्ची खाने के लिए तैयार हो आप? मिर्ची खाने के लिए मैं भी तैयार नहीं हूँ। मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ इस बार। सही तो थोड़ा हिंट दो। हिंट मैं कुछ हिंट नहीं देने वाली। लास्ट एंड फाइनल राउंड है, इसमें कोई हिंट नहीं है। फिर भी थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत। चलो ये आपकी बॉडी से रिलेटेड है। क्वेश्चन वापस पूछता तो वह कौन सी चीज है जो हमें 2 बार फ्री मिलती है पर तीसरी बार नहीं? 2 बार फ्री मिलती है पर तीसरी बार नहीं, है ना? आई डोंट नो। अब हमें बड़ा बुरा लग रहा है कि पहली बार इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पे संगीता जीत जाएगी। मैं विनर हूँ और ये हार चुके हैं, ठीक है? और मैं बिना मिर्ची खाए संगीता तेरी जीत स्वीकार करता हूँ। चलो ठीक है, मतलब मुझे मिर्ची नहीं खाया आपके लिए। सो टिकट अभी फाइनली तुम मीठा खाए नहीं खाए मैं जरूर खा लेता हूँ। इस हिसाब से संगीता को हमने यूं ही जिता दिया। अरे आंसर बताना तुमको। तो इसका आंसर है दांत। ओह आई सी। जो मैं कोई बात नहीं, फिर भी संगीता को मन रखने के लिए हमने जिताया है, हमारा बहुत बड़ा मन है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको वीडियो? और बिल्कुल नया एक्सपेरिमेंट था, हमने पहली बार कोई चैलेंजिंग वीडियो बनाया है। तो संगीता कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा मुझे। बस एक सच एक बात है कि हम लोगों ने इसमें कोई भी मतलब पहली बार कोई स्क्रिप्टेड वगैरह कुछ नहीं था। हमने बिट्टू से क्वेश्चन लिखवाए थे और उन्हीं से आंसर लिखवाए थे, क्योंकि अगर हम लोगों को अगर क्वेश्चन आंसर पता होता तो एक्साइटमेंट खत्म हो जाता। आंसर पता होता है। इस वजह से हमने सारी चीज़ें मतलब कि बहुत ध्यान रखे कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। जय श्री कृष्णा, जय भारत, बाय।